हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कुक विद प्रीति में। आज मैं आप सबके साथ सांभर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियाँ डलती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम अरबी, 50 ग्राम बीन्स, 50 ग्राम गाजर, 50 ग्राम कुद्रुम, इसे टोंडली भी कहते हैं, और साथ ही मैंने लिया है 50 ग्राम कद्दू। इन सब्जी के अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पे 100 ग्राम भिंडी, 100 ग्राम सहजन या ड्रमस्टिक, 50 ग्राम बैंगन, एक मीडियम साइज बारीक कटा हुआ टमाटर, एक मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज। सांभर के पेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 कश्मीरी मिर्चें, एक मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज, 7 से 8 हरी मिर्च जिन्हें मैंने बीच से काट लिया है, इनको मैंने बारीक नहीं काटा है, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लाल मिर्चें, और साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ गरम मसाले लिए हैं। यहाँ पे मैंने दाल पहले से कुक कर लिया है, ये तूर की दाल है, इसे अरहर दाल भी कहते हैं, 2 चम्मच इमली का पानी, और ये पेस्ट जो हमने अभी रेडी किया था। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जी फ्राई करेंगे। सब्जी फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल को आप ऐसे अच्छे से पूरे कढ़ाई में स्प्रेड कर दें ताकि जो हमारी सब्जी है वो फ्राई करते वक्त कढ़ाई में चिपके ना। अब चेक कर ले तेल गरम हुआ है कि नहीं। तेल गरम होते ही हम इसमें सबसे पहले सहजन डाल देंगे और सहजन को हम पूरा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, आप इसे बीच में चला चला कर ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। इसे फ्राई करने में आपको 3 से 5 मिनट का समय लग सकता है। ये देखिए, हमारा सहजन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे सहजन ब्राउन हो जाएगा हम इसमें बीन्स डाल देंगे। तो ये देखिए, सहजन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें बीन्स ऐड कर देंगे। तो मैंने इसमें बीन्स डाल दिया है, अब हम इसे भी अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमें सब्जियाँ फ्राई करते वक्त फ्लेम को मीडियम टू हाई में रखना है, स्लो फ्लेम पे सब्जियाँ फ्राई ना करें आप। तो ये देखिए, मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बीन सब ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल के इसमें हम कुद्रुम डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने कुद्रुम डाल दिया है, हमें इसे हाफ ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। जैसे ही है हाफ ब्राउन हो जाएगा हम इसमें कटे हुए गाजर डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें गाजर डाल दिया है और हमें इस अब गाजर के साथ फ्राई करना है। तो मैं इसे गाजर के साथ ऐसे फ्राई कर लूँगी। इसे भी हमें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाए हम इसमें कटे हुए कद्दू डाल देंगे और इसे भी हम हाफ ब्राउन ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि एक एक सब्जी डालने के बाद जो हमने पहले सब्जी डाली थी वो ब्राउन होते जा रहे हैं। अब लास्ट में हम इसमें बैंगन डाल देंगे और बैंगन को भी अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब सारी सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो हम इसे निकाल लेंगे। मैंने इसे निकाल लिया है, अब इसमें भिंडी डाल देंगे। भिंडी को भी हमने अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप इसे अच्छे से चला लें और अच्छे से फ्राई कर लें ब्राउन होने तक। जैसे हमारा भिंडी लाइट ब्राउन हो जाएगा हम इसमें कटे हुए अरबी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर अरबी डाल दिया है, अब हम अरबी को भिंडी के साथ फ्राई करेंगे और उसे लाइट ब्राउन होने देंगे। आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। जब आपका अरबी लाइट ब्राउन हो जाए तो हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। तो मैंने इसमें कटे हुए प्याज डाल दिए, अब हमें प्याज के साथ साथ इसे फ्राई करना है। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें बाकी की जो सब्जी हमने पहले फ्राई करके रखी थी हम इसमें वो डाल लेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारी सब्जी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें कटे हुए टमाटर और उसी के साथ साथ कटे हुए हरी मिर्ची भी डाल देंगे, और वो डालने के बाद हम इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारी सब्जियाँ मिक्स हो जाए तब हम उसमें सब्जी के स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा हिसाब से डालें क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें जो पेस्ट रेडी किया था वो डाल देंगे। इसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो हमने इसे अब पूरी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढक के कुक करूँगी। तो 2 से 3 मिनट अब हो चुके हैं, हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो मसाला है अच्छे से फ्राई हो चुका है और सब्जियां भी अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुके हैं। एक बार आप इसे अच्छे से चला लें और अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें जो हमने दाल कुक करके रखा था वो डाल देंगे। तो ये देखिए, मैं इसमें दाल डाल रही हूँ, और दाल डालने के बाद आप इसे फिर से अच्छे से चला लें एकदम, ताकि जो सब्जियाँ हैं वो दाल में पूरी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए, मैं अच्छे से सब्जी को दाल के साथ चला के मिक्स कर रही हूँ। अभी ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है तो हम इसे पतला करने के लिए इसमें और पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिला लें और फिर आप इसकी कंसिस्टेंसी वापस से चेक कर लें कि कितनी गाढ़ी या पतली है। हमें इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि हमारी सब्जी अभी पूरी तरह से पकी नहीं है,
मैंने यहाँ पे एक कप पानी और डाला है। एक कप पानी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप इसमें ठंडे पानी की जगह गर्म पानी यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें मैं जो हमने इमली का पानी रखा था वो डाल देंगे। तो ये देखिए मैं इसमें इमली का पानी डाल रही हूँ। इमली का पानी डालने के बाद हम इसमें आधा चम्मच सांभर मसाला डाल देंगे। तो ये देखिए सांभर मसाला लिया है मैंने, ये डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से इस ग्रेवी में मिक्स हो जाए। जब हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 3 से 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। तो 3 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ये बॉईल हो रहा है पर अभी ये पूरी तरह से कुक नहीं हुआ है, तो मैं इसे फिर से ढक दूँगी। अब हम इसे चेक कर लेंगे 5 मिनट बाद। तो ये देखिए अब ये रेडी हो चुका है, हमारे सब्जियाँ भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। मैंने इसे इन टोटल 10 मिनट के लिए कुक किया है 5-5 मिनट करके। तो ये देखिए अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सर्व कर लेंगे। तो मैंने इसे सर्व कर लिया है और इसे ऊपर से कड़ी पत्ता और राई का तड़का दे दिया है जिससे कि और ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे इडली या डोसा के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे सिर्फ प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।